तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी गूगल पर या फिर क्रोम पर कुछ भी सर्च करके और सर्च हिस्ट्री से उसे डिलीट कर देते हैं और उसके बाद आप ये सोचते हैं कि अब किसी भी बंदे को ये पता नहीं चलेगा कि आपने क्रोम पर या फिर गूगल पर क्या कुछ सर्च किया है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप जो भी क्रोम ब्राउजर पर या फिर गूगल पर जो भी कुछ सर्च करते हैं वो दोस्तों गूगल के पास ऑटोमेटिकली सेव होता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक का यूज करके आप अपने क्रोम ब्राउजर की और फिर गूगल की इन दोनों ऐप की हिस्ट्री परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो आज की इस वीडियो में जो ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उस ट्रिक का यूज करके आप गूगल और क्रोम की परमानेंटली हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं। तो कौन सी ट्रिक है और किस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर से हिस्ट्री डिलीट कर पाओगे, इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर उस ट्रिक का यूज आप अपने स्मार्टफोन में कर सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं आ गया हूं दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन के अंदर सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको यहां से नीचे स्क्रॉल करना है और यहां से आपको ऑप्शन मिलेगा गूगल का, तो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ प्रोसेसिंग वगैरह होगी, आपको यहाँ पर थोड़ा वेट करना है। जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाता है तो आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ से आपको साइड में स्क्रॉल करना है, आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा माई एक्टिविटी, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर एक न्यू पेज क्रिएट होगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से दोस्तों वो सब हिस्ट्री शो कर रहा है जो आपने गूगल के ऊपर सर्च की थी और आपने गूगल से ही उसे डिलीट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे दोस्तों वो सब यहाँ पे शो हो रहा है। तो अगर आप अपनी सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा डिलीट का, इसके ऊपर क्लिक करना है। ऑलवेज के ऊपर टिक कर देना है और यहाँ से आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अपने फ़ोन के अंदर ये प्रोसेस पूरा कर देते हैं तो आपने जो भी क्रोम ब्राउज़र के ऊपर सर्च किया था या फिर जो भी गूगल के ऊपर सर्च किया था वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि आपने गूगल क्रोम पे या फिर गूगल पे क्या कुछ सर्च किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में आते हुए एक प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।